दायरे में सोचते हैं, अपने स्वार्थ से आगे नहीं जाते, अपना हित सोचते हैं, अपना सुख सोचते हैं, दूसरों की तो बुराइयां ढूंढते फिरते हैं, पाप की ओर तो भागे हुए जाते हैं, नाम की ओर चलना बड़ा कठिन है। अगर जितना नीत हराम में लगाते हो उतने नाम में लगा दो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए, कोई रोकने वाला ही नहीं है। लेकिन नाम में नहीं लग सकते, नाम का रस एक कड़वा लगता है, दुनिया के रस मीठे लगते हैं, नाम का रस फीका लगता है और दुनिया के रसों में जी सा आता है। जिसमें जी सा आता है ना, वो तुम्हें रुलाता भी है, दुख भी देता है और उसका परिणाम बुरा होता है। लेकिन जो कड़वा दिखता है उसका परिणाम बड़ा मीठा है, क्योंकि उसका कड़वापन बीमारी को काटता है, रोगों को काटता है, दुखों को हरता है। बीमारी को काटने के लिए कौन सी दवाई मीठी है बोलो? जो भी दवाई लेते हो कड़वी है कि नहीं? वो दवाई लेने को दिल नहीं करता, मिठाई खाने को रोज करता है। तो नाम भी उससे ज्यादा कड़वा है। कड़वा नाम कुनी नहर डरता है, बीमार तारा चंद जो खाएगा तो उतरे तुरंत बुखार। कुनीन से भी कड़वा है, उस कुनीन से भी कड़वे नाम को लेना बड़ा कठिन है। ये माया का पसार, ये काल का देश, ये मृत्यु लोक, सब जगह जहां देखते हैं वहां काल की पूजा, पाप की पूजा, अधर्म की पूजा, झूठ की पूजा, वहां सत्य का धर्म का क्या काम? कैसे लोगों के विचार ख्याल दिमाग बदलेंगे, कैसे जीवन सुधरेंगे? कितना ही कहो, कितना ही सुनो, बकरी के तीन थन, बकरी के थन तो दो ही होते हैं, लेकिन उन्होंने जिसने तीन कह दिया वो दो कहना नहीं चाहता, पता उसको भी ये दो ही हैं, लेकिन वो तीन ही कहेगा, ढाक के तीन पात कहो ना। इसलिए सच्चे मन से जो भक्ति करता है, इस मार्ग पे चलता है, उसको अपने ही ख्याल, अपना ही समझ उसको वो शांति दे देती है, संतुष्टि दे देती है कि मेरा किया हुआ कर्म उसका ये प्रतिफल है और ये मुझे ही भुगतना है, अच्छा है या बुरा है, और उसको पाके वो संतुष्ट होता है। और जब संतुष्ट इंसान हो जाता है, जिसको समझ आती नहीं है, तब तक उसकी परेशानी नहीं जाती। समझ जिसको आ गई, परेशानी उसकी चली गई। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।